नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस वी टेक। गाइज, अगर आपको भी ऐसा फील होता है कि आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप बहुत धीरे डेटा को कॉपी करता है, तो आप एक टूल का यूज ले सकते हैं जिसकी हेल्प से आप अपने सिस्टम की कॉपी स्पीड को 20-30% तक बढ़ा सकते हैं। ये एक फ्री थर्ड पार्टी टूल है जिसे आपको अपने सिस्टम में डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। इस टूल का नाम है फास्ट कॉपी। गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे डाउनलोड फास्ट कॉपी और वेबसाइट पे जाएंगे और इस इंस्टॉलर को यहां से डाउनलोड कर लेंगे। 32 बिट और 64 बिट दोनों ही तरह के सिस्टम के लिए है, आप डाउनलोड कर सकते हैं और सेटअप को आप रन कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इस टूल को आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद आपको सेटअप की अगर जरूरत लगे तो आप उसको रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको डिलीट भी कर देंगे जैसे मैंने कर दिया। टेस्टिंग के लिए यहां पर डेस्कटॉप पर मैंने ISO इमेज रख रखी है, विंडोज 11 की 4.5 GB की है, जो मैंने कस्टम करी थी वही वाली इमेज है। ठीक है, देखते हैं कितनी देर में ट्रांसफर करता है। इस टूल की हेल्प से डेटा को कॉपी करने के लिए आपको इस टूल को ओपन करना पड़ेगा। इसका इंटरफेस बहुत ही सिंपल है। यहां पर सोर्स पे क्लिक करेंगे और सोर्स पे क्लिक करने के बाद आपको अपना डेटा यहां पे सिलेक्ट करना होगा, जो भी आपको कॉपी करना है, चाहे वो कोई फोल्डर हो चाहे वो कोई फाइल हो। ठीक है, अपनी फाइल सिलेक्ट करने के बाद, जैसे मैंने यहाँ पे विंडोज 11 की फाइल सिलेक्ट कर लिया इस इमेज, और उसके बाद आप डेस्टिनेशन डायरेक्टरी में जाएंगे और जहां पर आपको डेटा को कॉपी करना है वो डायरेक्टरी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे बस यहां पर सोर्स और डायरेक्टरी आपको सिलेक्ट करने के बाद नीचे यहां पे राइट हैंड साइड में एग्जीक्यूट का बटन आएगा। जैसे ही आप इस बटन को दबाएंगे कॉपी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर कॉपी प्रोसेस की बात करें तो इस वक्त ट्रांसफर रेट मुझे 180 MB/s तक यहां पे नजर आ रही है। टेस्ट किया हुआ टूल है, काफी अच्छे रिव्यू भी हैं, गूगल पर भी आप इस फास्ट कॉपी के बारे में पढ़ सकते हैं, तो आप भी इसको आसानी से यूज ले सकते हैं अगर आपको कॉपी की प्रॉब्लम है, कॉपी स्लो कॉपी स्पीड की प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन हमेशा एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि सिस्टम में डेटा को कॉपी करने की स्पीड काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, लाइक USB 2.0 या फिर 3.0 पोर्ट आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है 3.0 यूज करेंगे तो ज्यादा स्पीड मिलेगी। SSD में ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर HDD में ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर SSD से ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर HDD से ट्रांसफर कर रहे हैं, किससे किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है कि आपको कितनी स्पीड मिलने वाली है। पेन ड्राइव या फिर हार्ड ड्राइव कितनी पुरानी है, ये सब फैक्टर मैटर करते हैं। लेकिन जब सारे फैक्टर्स भी एग्जिस्ट करते हो और फिर भी आप इस टूल को यूज करेंगे, तो सभी फैक्टर्स के साथ जो आपको इस वक्त नॉर्मल स्पीड मिल रही है और इस टूल से आप जब कॉपी करेंगे, इस टूल से ज्यादा स्पीड मिलने का रीजन ये है, ज्यादा कॉपी स्पीड मिलने का रीजन ये है कि ये जो टूल है ये सिस्टम रिसोर्सेस को ज्यादा यूज करता है। और फिर इस टूल को जिन भी एल्गोरिदम्स की हेल्प से डेवलप किया गया है वो भी काबिले तारीफ है। खैर यूज करो इस टूल को अगर आपको कम कॉपी स्पीड मिलती है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं नए वीडियो में नई जानकारी और नई टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।